नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर से दाखिल किया नामांकन, कहा इस बार का चुनाव बेहद अहम, मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। दमोह में पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया बड़ा बयान, कहा हमने सेना को आत्मनिर्भर बनाया, आज देश में वो बीजेपी सरकार है जो ना किसी से दबती है ना झुकती है। 21 राज्यों के 102 सीटों पर हुए आज मतदान, मणिपुर में फायरिंग में 3 घायल, ईवीएम तोड़ी गई, तो वही बंगाल में हुई हिंसा। एमपी छत्तीसगढ़ में तापमान रहा 42 डिग्री, आज बारिश का भी अलर्ट जारी, तो वहीं 5 राज्यों में चली हीट वेव, हिमाचल समेत 3 राज्यों में बर्फबारी की संभावना। कर्नाटक के कॉलेज में कांग्रेस नेता की बेटी की हुई हत्या, पूर्व क्लासमेट ने चाकू से किए 7 बार प्रपोजल ठुकराने की दी सजा। दिल्ली के सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पंजाब के 2 आप उम्मीदवारों से की मुलाकात, कहा मजबूत लड़ाई लड़ो, बीजेपी को हराओ। दिल्ली आप विधायक अमानतुल्ला खान से 13 घंटे ईडी ने की पूछताछ, पहले गिरफ्तारी की खबर थी, वक्फ बोर्ड में 32 लोगों की अवैध नियुक्ति कराने का लगा आरोप। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स 500 अंक चढ़ा, जो दिन की शुरुआत में 700 अंक नीचे रहा, बता दें 73,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां, अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा में भाजपा जीटी बेल्ट की विधानसभा सीटों के बल पर ही राज्य में 2 बार से अपनी सरकार बनाती आई है, मगर पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र के सियासी समीकरण बदल गए हैं। दरअसल हरियाणा में जीटी बेल्ट भाजपा का गढ़ माना जाता है। बता दें पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जीटी बेल्ट में आने वाली 3 सीटों अम्बाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में भाजपा ने न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि अपने वोट शेयर में जबरदस्त बढ़ोतरी की। अब राज्य की सत्ताधारी पार्टी के समक्ष दबे पाव के चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इन चुनौतियों को भांपते हुए पार्टी ने अपने मुखिया को ही बदल दिया है। चुनौतियों से जूझ रही पार्टी के सामने जहां इस दुर्ग को बचाने की चुनौती है, वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भाजपा की हैट्रिक रोकने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। हालांकि कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है, वहीं पार्टी का कहना है कि 1-2 दिन में उनके उम्मीदवार मैदान में उतर जाएंगे। उम्मीदवार आने के बाद चुनावी मैदान की तस्वीर और साफ हो जाएगी। किसान जत्थेबंदियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही हरियाणा सरकार ने 3 किसानों को रिहा नहीं किया तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। उधर रेल ट्रैक जाम होने के चलते हरियाणा से पंजाब J&K जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे सवारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले शंभू में रेलवे ट्रैक पर किसानों का प्रदर्शन 3रे दिन भी जारी रहा। इसके चलते 110 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ, 40 ट्रेनें रद्द की गई, तो वहीं 54 ट्रेनों के मार्ग बदले गए, 8 को बीच रास्ते में रद्द कर दिया गया। पटियाला रेंज के DIG और SSP के साथ किसान जत्थेबंदियों की बैठक हुई, लेकिन कोई सहमति न बन पाने के चलते किसानों का रेल ट्रैक पर जाम जारी रहा। किसान नेता श्रवण सिंह पंडेर ने साफ किया कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक नवदीप सिंह व बाकी 2 किसान अनीश खटकड़ और गुरकीरत सिंह को रिहा नहीं किया जाता। पंडेर ने कहा कि इन 3 को गलत केस में फंसाया गया है। कुरुक्षेत्र में जसपा के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने इनेलो नेदा और अपने चाचा अभय चौटाला को निशाने पर लिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि वे जातिगत राजनीति करने लगे हैं, लेकिन जो चुनाव में 50,000 वोट हासिल नहीं कर पाएंगे। साथ ही कहा कि उनकी जमानत भी नहीं बच पाएगी। आपको बता दें कि दिग्विजय चौटाला वीरवार को कुरुक्षेत्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने थानेसर, लाडवा व पिहोवा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। उन्होंने कहा कि जाट आरक्षण के दौरान भी अभय चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा की जातिगत तौर पर केंद्र बिंदु बने थे और दोनों ही सुनने पर पहुंच चुके हैं। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कुरुक्षेत्र में बाहरी लोग आते हैं और लोगों को गुमराह कर वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि यहाँ काम करने को कोई तैयार नहीं है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब उन बच्चों को भी एडमिशन मिलेगा
जिनके पास कोई कागजात नहीं है। दरअसल हरियाणा में सरकारी स्कूल में अब परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड के बिना भी बच्चों के दाखिले होंगे। जिसके पास ना तो परिवार पहचान पत्र है और ना ही आधार कार्ड है, तो उनका आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड, अस्पताल या नर्स दाई के रजिस्टर का रिकॉर्ड भी मान्य होगा। बड़ी बात यह है कि इनमें प्रवासी मजदूरों के बच्चे सबसे ज्यादा शामिल हैं। बता दें कि बीते दिनों अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्देश दिया गया कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत ऐसे बच्चों को दाखिला दिया जाए। शिक्षा निदेशक की ओर से इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, मौलिक शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि प्रवेश उत्सव के तहत नामांकन में परिवार पहचान पत्र और आधार नंबर की अनिवार्यता जरूरी नहीं है। हरियाणा के दादरी में मंडी में दो सप्ताह से सरसों की आवक में बढ़ोतरी होने से खरीद एजेंसी और प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई हैं। बता दें कि मंडी में 9,177 किसानों को गेट पास जारी किए गए हैं, जिसमें 1.80 लाख क्विंटल की आवक दर्ज की गई है। वहीं मात्र 56,000 क्विंटल सरसों का उठान किया गया है। बताते चले कि दादरी के वारदा अनाज मंडी में वीरवार तक 1.80 लाख क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी है, जबकि उठान 56,000 क्विंटल का हुआ है। वारदाने की किल्लत होने से उठान प्रभावित हो रहा है। मंडी छोटी होने के कारण गेहूं की ढेरी बस स्टैंड के खुले परिसर में लगी हुई है। ऐसे में मौसम खराब होने से किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। तो यही थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।